हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है आदित्य एम ब्लॉग में। दोस्तों, दो मुहा सांप के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। आखिर इस सांप को लाखों रुपए में क्यों बेचा जाता है? इस सांप को खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? लोग क्या करते हैं इस सांप को? इस सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या इसको लोग खाते भी हैं या नहीं खाते हैं? इस सांप में कौन सा जहर पाया जाता है? दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों को हेल्प के लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और वहां पे आप लोगों को इस तरह का वीडियो बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को चलते हैं स्टार्ट कर। इस सांप का विदेशों में लाखों रुपए का कीमत है। इसी कारण से भारत में ऐसी कई राज्यों के लोग इस सांप को पकड़कर विदेशों में बेच देते हैं। इसी कारण से भारत सरकार ने इस सांप को पकड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस सांप का वैज्ञानिक नाम रेड सैंड बोआ है। दो मुहा सांप का वास्तव में दो मुंह से कोई वास्ता नहीं होता। लोग मानते हैं कि इस सांप का दो मुख होता है, लेकिन इस सांप का एक ही मुख होता है। दरअसल इस सांप की पूंछ की बनावट कुछ ऐसी होती है कि यह मुंह की तरह दिखाई देता है। यह सांप ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। खतरा होने पर यह सांप अपनी पूंछ को मुंह की तरह हवा में खड़ा कर लेता है, जिसके चलते इस सांप को दो मुहा सांप कहा जाता है। इस सांप को लेकर दुनिया में अलग अलग हिस्से में कई बातें प्रचलित हैं, जिनके चलते इन सांपों का अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार ने इन सांपों को बचाने के लिए सन 1972 ईस्वी में अन्य 5 जीवों के साथ इसे भी संरक्षित जीव घोषित कर दिया। यह सांप मनुष्यों से दूर भागता है। चूहे, कीड़े मकोड़े तथा छोटे जानवरों को अपना भोजन बनाता है। यह सांप मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि यह सांप आज तक किसी भी इंसान को नहीं काटा है। यह सांप शांत स्वभाव का होता है, जिसमें जहर न के बराबर होता है। वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस सांप को जो भी व्यक्ति नुकसान पहुँचाएगा, उस व्यक्ति को कठिन से कठिन कानूनी सजा दी जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस सांप के मांस को खाने से कई बीमारियां ठीक होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दो मुहे सांप का इस्तेमाल विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इन सांप को खाने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है तथा एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां भी ठीक हो जाती है। लेकिन इन सब बातों का समर्थन विज्ञान नहीं करता है। यह लोगों की मूर्खता है जो इन सब सांपों को मारकर खाते हैं। भारत में संरक्षित दो मुहा सांप की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, जहां इसकी कीमत करोड़ों में बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डिमांड के चलते इस सांप को विदेशों में 3 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक बेचा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस चैनल पे आप लोग को अनेक प्रकार के वीडियो मिलता रहता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, नीचे आप लोगों का दो वीडियो दिख रहा होगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है तथा इसमें अनेक प्रकार की जानकारियां दिया गया है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है।